हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड्डीज फैशन एंड ब्यूटी। और मैं हूं गुड्डी और मेरी ये आज की वीडियो ना खासकर हाउसवाइफ के लिए। अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप साड़ी पहन के या सूट पहन के एक अट्रैक्टिव लुक चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप साड़ी या सूट में भी बहुत ही स्टाइलिश दिखे, तो ये मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें बिना 5 रुपये भी खर्च किए ना मैं आपको किस तरह से स्टाइलिश बन सकती है, किस तरह से अट्रैक्टिव दिख सकती है, इसके बारे में मैं चर्चा करने आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो तो आपकी काम की जरूर होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरह से हम साड़ी या सूट में बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही एलिगेंट लुक पा सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, सिर्फ अपनी कुछ आदतों को सुधार कर। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने हैं अगर आपको, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। और चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम सूट या साड़ी में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट देख सकते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1, देखिए आप सूट या साड़ी में अट्रैक्टिव आपको दिखना है अगर, तो सबसे पहले तो जब आप सूट या साड़ी जिस समय आप खरीदने जाती हैं उसी समय आपको कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जो भी ड्रेस खरीदना है ना वो सीजन के अकॉर्डिंग खरीदना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ वो समझिए। सबसे पहले अगर आप गर्मी के लिए अगर ड्रेस खरीद रही हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो फ्लोरल प्रिंट के जो सूट या साड़ियाँ आती हैं आपको वो लेना है। और अगर आप विंटर्स के लिए ले रही हैं या फिर अगर आप जो रेनी सीजन के लिए ले रही हैं तो उस समय आपको लेना है। प्लेन भी अगर आप लेती हैं तो चलेगा, और थोड़ा डार्क कलर में भी लेती हैं तो चलेगा। साथ ही साथ आपको एक और बात भी ध्यान रखना है कि आपको अपना भी स्किन कलर आपको देखना है। अगर आप फेयर हैं तो आप लाइट कलर की साड़ियाँ भी ले सकती हैं और डार्क कलर की साड़ियाँ भी ले सकती हैं, लेकिन डार्क कलर की अगर आप साड़ियाँ पहनेंगी तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही एलिगेंट लुक आपका जो आएगा ना वो उभर कर आएगा। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी आपका जो कलर है ना वो थोड़ा सा सांवला है ना, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ी सी लाइट कलर की साड़ियाँ लें, तो वो आपके साथ वो आपको बहुत ही प्यारा एक लुक आपका हाईलाइट करेगा आपका लुक, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपका डार्क कलर है ना तो उसमें आपको ना तो बहुत डार्क लेना है ना तो बहुत ज़्यादा लाइट लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट साड़ियाँ भी ले लेंगी ना तो वो आपको बहुत ही बुरा वो लुक आता है। तो आपको एवरेज में लेना है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका जो हेल्थ है वो कैसा है, अगर आप फैट है ना मीन से बहुत ज़्यादा अगर मोटे हैं अगर आप, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय प्रिंटेड जो साड़ियाँ हैं ना वही लेना है। उसमें देखिएगा आपका जो हेल्थ है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप प्लेन साड़ियाँ ले रही हैं ना तो आप देखिएगा उसमें आप और थोड़े हेल्थ आपका ज़्यादा लगेगा। और अगर आप बहुत पतली हैं तो आपको उसमें ऑर्गेंजा सिल्क में आपको साड़ी ले सकती हैं, ऑर्गेंजा साड़ी ले सकती हैं, या फिर जो पाटो साड़ी आते हैं ना उस तरह की साड़ी आप ले सकती हैं, जिससे कि जो मीन्स फुले फुले थोड़ी साड़ियाँ होती हैं ना वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज है मीन्स कि अगर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत कम नहीं है, आप एवरेज है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी साड़ी ले लीजिए, आपको अच्छा ही लगेगा। साथ ही साथ टिप नंबर 2, आपको जो ड्रेस लेते समय एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी आप साड़ियाँ खरीद रही हैं ना उसके साथ उसका जो ब्लाउज है वो किस तरह का है, मीन्स कि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में होना, तो उससे आप देखिएगा आपका जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। जबकि सेम कलर की साड़ी और सेम कलर का अगर ब्लाउज होता है ना तो उसमें जो लुक है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। ये जो मेरी साड़ी है ना जिस तरह से, इसमें सेम कलर की साड़ी है और सेम कलर का ही ब्लाउज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों में हल्का ही डिफरेंस है। तो ये मैं घर में पहनती हूँ, ये मेरे बाहर आने जाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर आने जाने के लिए कोई साड़ी अगर खरीद रही है ना तो कोशिश करें कि अगर कॉन्ट्रास्ट में है तो वो आपके लुक को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सूट भी खरीद रही है ना तो उसमें कोशिश करें कि आपका जो सूट है वो अलग कलर का हो, और जो दुपट्टा और जो पैंट है ना वो अलग कलर का हो, कॉन्ट्रास्ट करता हुआ, तो वो आपके लुक को और ज़्यादा अच्छा दिखा सकता है। टिप नंबर 3, देखिए जब आप साड़ियाँ पहन रही है ना तो आपको उसके स्टाइल के साथ हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आप हर समय एक ही लुक से एक ही तरीके से साड़ी पहनेंगी ना तो वो आपके लुक को हमेशा सेम ही दिखाएगा, और जो देखने वाले हैं ना उनको भी पता ही नहीं चलेगा कि जो आपने कुछ स्पेशल आज पहना है, कोई अच्छी साड़ी पहनी है, ये वो लोग नोटिस ही नहीं करेंगे। तो आप हमेशा अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करें, अपनी साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करें। मीन्स कि आपको हर समय अपने लुक पर कुछ ना कुछ नया करना है। मीन्स कि कभी आप सीधे पल्ले की साड़ी ले ले, या फिर कि साड़ियाँ दो तीन तरह की पल्लू जो है उनके बारे में यहाँ पर दिखा दे रही हूँ फोटो में, आप चाहे तो देख सकते हैं। और आप देखिएगा कि इस तरह से अगर आप साड़ियाँ पहनती हैं ना तो आपके लुक को ये बहुत ही डिफरेंट दिखाएगा। साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स भी दे देती हूँ। अगर आपका हेल्थ है ना तो आपको साड़ी पहनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो साड़ी है ना वो हर तरफ से अच्छे से पिन की हुई हो और बिल्कुल ही टाइटली आपको पहनना
करना है जिसमें कि आप थोड़ी सी स्लिम दिखेंगी, मीन्स कि ये नहीं कि यहाँ से फुला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, उस टाइप से साड़ी आपको नहीं पहनना। ये और ज़्यादा मैसी लुक क्रिएट करेगा और ये आपके लुक को ना बहुत ही मीन्स कि खराब दिखाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप जब साड़ी पहन रही है, खासकर अगर आपका हेल्थ है और आप साड़ी पहन रही है ना, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको पिन वगैरह लगा के एकदम अच्छे से आपको साड़ी पहननी है। और आपको खासकर जो प्लीट्स बनाते हैं ना आप यहाँ पर, उसको आपको थोड़ा सा पतला बनाना है। और ये वाली जो प्लेट है ना, इसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा लेके बनाना है, ताकि पेट के पास खासकर बहुत ज़्यादा प्लीट्स ना बने और ये जो है आप कि जो पेट है ना वो थोड़ा अंदर दिखा सकता है। और साथ ही साथ आप टमी टकर भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर कोई ऐसी इलास्टिक वाली पैंट ले लें जो होता है ना वो थोड़ा चौड़ा हो, जो कि आपके पेट को थोड़ा सा दबा कर रखे, तो देखिएगा उसमें आपका जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पतली हैं तो आपको चौड़े जो बॉर्डर वाले साड़ी है ना वो लीजिए, आपको वो साड़ी के साथ बहुत ही एक अच्छा एक एवरेज लुक आपका आएगा। और फोन जब भी आप हम साड़ी पहनते हैं ना, तो उसके साथ हम कुछ गलतियां करते हैं कि हम क्या करते हैं, उसके साथ बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेते हैं। अगर खास कहीं आना जाना हो ना तो बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। जी हाँ, ज्वेलरी जरूर पहनिए। देखिए महिलाओं का शौक ही होता है कि ज्वेलरी पहनना है, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़े से हेल्दी है ना तो आपको बहुत सारी ज्वेलरी नहीं पहननी है। आपको सिंपल एक लंबा, अगर आपके पास कोई माला है तो वो पहन लीजिए, मीन्स की रानी हार टाइप का कोई लंबा सा है तो पहन लीजिए। पतली सी मतलब एक नेक पे लगी हुई एक पतली सी आपको जो भी सेट है वो पहनना है। और अगर हो सके तो एक पतली सेट पहनिए, उसके साथ एक सिंपल चेन पहनिए या मंगलसूत्र पहनिए, इतना इनफ है। इयररिंग्स जो आपको पहनने हैं, क्योंकि आपका फेस बड़ा है तो आपको छोटे इयररिंग्स लेने हैं, आपको बहुत बड़े इयररिंग्स नहीं लेने हैं, ना कि ये आपके फेस को और ज़्यादा भरा भरा दिखाएगा और आपका हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्लिम हैं तो इसके साथ अगर आप साड़ी पहन रही है ना, तो आप बिल्कुल मीन्स की एक अच्छा सा ज्वेलरी पहनिए, ये आपके लुक को बहुत ही भरा भरा दिखाएगा। साथ ही साथ बड़ी बिंदी लगाइए, छोटी बिंदी मत लगाइए अगर आप पतली हैं तो। लेकिन आपका हेल्थ अगर है तो आपको छोटी बिंदी लगाना है, आपको बड़ी बिंदी नहीं लगाना। आप छोटी बिंदी के साथ मेकअप करिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी हेल्थ पर, अगर आप एवरेज मीन्स की ज़्यादा हेल्थ भी नहीं है, कम हेल्थ, एक एवरेज लुक है आपका, तो उसमें क्या करना है, मीडियम साइज की, जिस तरह से आपका जो साइज मीडियम है ना, बस इसी तरह से आपका जो बिंदी है उसका साइज भी मीडियम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। खासकर छोटी बिंदी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश लग सकती हैं। टिप नंबर 5, सबसे पहले तो आप अपनी हाइट को भी आपको ध्यान देना है कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है ना तो आपको एवरेज हील की सैंडल आपको पहननी है। अगर आप थोड़ी कम हील भी पहनते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है ना तो आपको बिल्कुल एक हील सैंडल आपको पहननी है जिसमें कि आप कंफर्टेबल भी हो। इस तरह का जब आप सैंडल ले रही हैं तभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी हील ले रही हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। उसको पहन के आप थोड़ा सा चल के भी देख लीजिए ताकि आपको उसमें कंफर्टेबल महसूस हो। लेकिन आप विश्वास करिए, अगर आप हील के साथ साड़ी पहनेंगी ना तो ये आपके जो ये चलने के स्टाइल को भी बदल देता है और साथ ही साथ एक बॉडी लैंग्वेज को भी बदल देता है। तो आप बिल्कुल हील वाली सैंडल आप ले सकती हैं, उसमें आप बहुत स्टाइलिश और बहुत ही अट्रैक्टिव लग सकती। ये है मेरी 6 टिप्स जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम सभी कोई को फॉलो करना है। भले आप साड़ी पहन रही है, सूट पहन रही है, जींस पहन रही है, कोई भी पहन रही है, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जो भी पहना है उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है और बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाना है। और कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाना है कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो साड़ी में। बस आप जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे ना साड़ी में, ये आपके लुक को चार चांद लगा देता है। तो बिल्कुल आप साड़ी पहनिए और साड़ी के साथ ही बहुत स्टाइलिश और अट्रैक्टिव देख सकती हैं। आई होप कि मेरी दी हुई जितनी भी जानकारी थी ये आप लोगों को पसंद आई है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।